मैं रबिया मोहम्मद अनी फ्रॉम पंचकूर। और ये जो आज कंपटीशन चल रही है बहुत टफ भी है और बहुत मज़ा भी आ रहा है। और इसमें स्टूडेंट अलग अलग अपने टैलेंट भी दिखा सकते हैं। कि जो लड़कियां स्टूडेंट आई हुई हैं उनसे मिलके मतलब उनके काम देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का विज़िट करके इतना ज़्यादा टैलेंट जो सामने आ रहा है खुसूसन बच्चियों के हवाले से, कि जिस तरह से इन्होंने अपना काम उनको पेश करने का मौका मिला है और ये डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर ने इस काम को जो है आगे बढ़ाया है और इन बच्चों को जिनकी इतनी काबिलियत है उनको ये मौका दिया है यहाँ तक आने का और अपने फ़न को जो है आर्ट के थ्रू जो है पेश करने का। लेकिन ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इससे हम बड़े पुरुमीद हैं कि हमारे बच्चों को आर्ट की तरफ, लिटरेचर की तरफ, गायकी की तरफ या फ़नून लतीफ़ा की किसी भी शोबे की तरफ जो है आके अपना एक जो अपने टैलेंट के हिसाब से परफॉर्म करने का जो एक मौका मिलेगा और पूरी दुनिया में खुद को मनवाने का एक ज़रिया बनेगा उनके लिए। मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है और मैं बेसिकली तुर्बत से बिलोंग करता हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग आए हुए अपने इलाकों से और अपने इलाके के लैंडस्केप कल्चर को शो कर रहे हैं वो। मैं खुदारी, मेरा ताल्लुक़ डायरेक्टर कल्चर से है। तो आज का जो इवेंट बलूचिस्तान टैलेंट हंट प्रोग्राम के हवाले से विजुअल आर्ट कंपटीशन है, तो इसमें ये एक बेसिकली मुख्तलिफ ज़िलों से आए हुए तलबा व तालबात इनकी जिन तकरीबन 100 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुकी है हमारे पास। मैं दाद देता हूँ अपने सेक्रेटरी गुलाम अली बलोच साहब को, जो सेक्रेटरी कल्चर हैं, तो उसने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि बलूचिस्तान टैलेंट प्रोग्राम आर्गेनाइज़ करवाया, इसमें विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट कंपटीशन रखवाए। ये जो आर्ट कंपटीशन या बलूचिस्तान में आर्ट और कल्चर के हवाले से जो मुकाबले बच्चों के दरमियान, ख़ासकर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बच्चों के दरमियान हम पूरे बलूचिस्तान में यहाँ पे मुनक़द कर रहे हैं, बुनियादी मकसद उसका ये है कि कल्चर डिपार्टमेंट या जो डायरेक्ट्रेट ऑफ कल्चर है, लोक वर्षा है इस्लामाबाद में, इन सब को गवर्नमेंट ने इस वजह से कायम किया है कि जो सकाफती सरगर्मियाँ होती हैं उनको मुनज़म करें। विजुअल आर्ट के हवाले से या पेंटिंग के हवाले से जो टॉपिक दिया हुआ है वो यही है, हिस्ट्री एंड हेरिटेज ऑफ बलूचिस्तान। अभी जो बच्चे आते हैं उनको अपने हेरिटेज के बारे में, अपने इर्द गिर्द के बारे में, अपनी हिस्ट्री और अपनी माजी के बारे में जो कुछ पता है वो यहाँ पे पेंटिंग के ज़रिए उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इस रिफ्लेक्शन में ज़ाहिर है वो दो चार लोगों से मशवरा भी करेंगे, कुछ तहकीक भी करेंगे, कुछ सोचेंगे और उसको जब रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे दिखा देंगे तो ना उनके इल्म में इजाफा हो जाएगा बल्कि बाकी लोगों के इल्म में भी इजाफा हो जाएगा।